शुरू। महोदय, गत 62 साल से चाहे यह सदन हो या प्रदेश की विधान सभाओं की सदन हो, बाढ़ और सूखा पर रूटीन में चर्चा होती रहती है। स्टॉप। सूखा और बाढ़ हमारे देश के किसानों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। स्टॉप। वर्ष 1952 से वर्ष 2009 में अब तक इन 50 सालों में देश में 12 से ज़्यादा सूखा पड़ चुका है। स्टॉप। इसका कारण जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन होना है। वृक्ष कटते जा रहे हैं। स्टॉप। यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। स्टॉप। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज भी खेती 60% लोगों को रोजगार देती है। स्टॉप। उत्तर भारत में इससे बड़ा सूखा अभी तक नहीं पड़ा था। स्टॉप। आज 3/4 से ज़्यादा जमीन पर धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। स्टॉप। मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा आदि की भी बुआई नहीं हुई है। जहां लोगों ने बुआई कर दी थी वहां सब पौधा सूख गया है। स्टॉप। इस बार उत्पादन में इतना शॉर्ट फॉल होने वाला है। ऐसी स्थिति में सरकार को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा। स्टॉप। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि हमने 62 सालों में ऐसी कोई दूरगामी और शॉर्ट टर्म योजना क्यों नहीं बनाई जिससे इस समस्या का स्थायी निदान हो सके। स्टॉप। आज तक इन दोनों समस्याओं को कोई भी निदान सरकार ने नहीं खोजा है। स्टॉप। जब जून और जुलाई में पानी इतना कम बरसा फिर भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही आप नहीं कर पाए। स्टॉप। सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया। स्टॉप। जिससे सूखे में किसानों को कोई मदद मिल सके। स्टॉप। जुलाई बीत गया, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पशु भूखे मरने लगेंगे। तमाम लोग आपके BPL कार्ड पर आधारित है, उनको कहां से अन्न मिलेगा। स्टॉप। आज 28% के बजाय 50% लोग BPL कार्ड के अंतर्गत आ रहे हैं। स्टॉप। हर 4 साल के बाद हमारे देश में एक सूखा पड़ता है जिसका निदान हम नहीं कर पाते। स्टॉप। चिदंबरम साहब ने पिछली बार सिंचाई के लिए बहुत पैसा देने की बात कही थी, लेकिन हकीकत में आप देखिए कि कितने तालाब खोदे गए। पैरा पानी सबसे मूलभूत समस्या है। यदि आप पानी की व्यवस्था कर दें तो 2 गुना ज़्यादा अन्न का उत्पादन हो सकता है। स्टॉप। देश के विभिन्न राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। स्टॉप। सूखा केवल खेती को ही प्रभावित नहीं करता है, उससे पेयजल की भी समस्या हो जाती है। स्टॉप। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। पैरा समाप्त।